For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. फिल्म भारत के लिए मेकर्स ने पहले प्रियंका चोपड़ा को रोप इन किया था, लेकिन एक शॉकिंग मूव के चलते पीसी ने शूटिंग के कुछ दिन पहले ही इस फिल्म से किनारा कर दिया और फिल्म के इस क्रिटिकल मोड पर फिल्म की लीडिंग लेडी के ना होना एक बहुत बड़ी मुसीबत बन गई। मगर तब मेकर्स ने कटरीना कैफ को अप्रोच किया और अली अब्बास जफर और सलमान खान की दोस्ती के चलते कैट ने इस रोल को एक्सेप्ट कर लिया और फिल्म को डूबने से बचा लिया। उस वक्त कैट शाहरुख की फिल्म जीरो पर काम कर रही थी, मगर फिर भी उन्होंने अपने डेट्स अकोमोडेट किए ताकि वो भारत की प्रेपरेशन कर सकें। तो अब एक लाइव चैट के दौरान एक वेब यूजर ने जब कैट से पूछा कि उन्हें इस रोल के लिए क्या प्रेपरेशन करना पड़ा और क्या इश्यूज आए, तो सलमान ने हंसते हुए कहा, प्रियंका ने ज्यादा टाइम नहीं दिया। आगे जब कैट अपने रोल पर किए गए काम को डिस्क्राइब कर रही थी, तब एक बार फिर सलमान ने कहा, शी हैज वर्कड रियली हार्ड, अगर प्रियंका आपको थोड़ा सा और वक्त दे देती तो। वेल, इस एक स्टेटमेंट से सलमान ने एक तीर से दो निशाने मारे, कैट की तारीफ भी की और प्रियंका का मजाक भी उड़ाया। तो सलमान के सुल्तानी अंदाज के बारे में आपका क्या कहना है, हमें जरूर बताएं। सलमान खान और कटरीना कैफ की केमिस्ट्री तो सभी के सोच से बाहर है। टाइगर फ्रेंचाइज में इन दोनों की एक्टिंग ने कमाल कर दिया और आज टाइगर और जोया के किरदार हर मूवी बफ के मन में घर कर चुके हैं। अब एक महीने बाद सल्लू और कैट एक बार फिर बड़े पर्दे पर नजर आएंगे जब 5 जून को फिल्म भारत रिलीज होगी। इस फिल्म का एक गाना चाशनी आउट हो चुका है, जिसे देखकर हमें एक बार फिर इन दोनों की अमेजिंग केमिस्ट्री देखने को मिली। सोशल मीडिया इस हिट जोड़ी की तारीफ करते नहीं थक रही। और अब खुद फिल्म मेकर अली अब्बास जफर ने भी कहा कि फिल्म में सलमान और कटरीना बिल्कुल मेड फॉर ईच अदर जोड़ी लग रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि इन दोनों के बीच लव सीन्स लिखना काफी मुश्किल था, क्योंकि जब भी सलमान कटरीना को देखते हैं, सभी को ऐसा लगता है कि वो एक दूसरे के लिए ही बने हैं और इसलिए सीन्स को रियल और सटल रखना जरूरी है ताकि वो नॉर्मल लग सके। वेल, अली के इस कन्फेशन से एक बात तो पक्की है कि फिल्म में सलमान और कटरीना का रोमांस हमें इम्प्रेस तो जरूर करेगा, है ना? कुछ दिन पहले इंटरनेट पर एक पोस्टल वायरल हुआ था, जिसमें ये लिखा था कि बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन का एक शो बिजनौर में होने वाला है और उस पोस्टर पर कोका कोला का लोगो और नाम के अलावा खुद सलमान खान की तस्वीर और उनके बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन का नाम भी लिखा था। ये पोस्टर इतना ऑथेंटिक था कि कोई भी इसे देखकर कह नहीं सकता कि ये फ्रॉड होगा, और देखते ही देखते ये पोस्टर इंटरनेट पर वायरल हो गया। आखिर सलमान को भी इस पोस्टर के बारे में पता चला और उन्होंने खुद इस पोस्टर को फेक बताते हुए अपने फैंस को वार्न किया। सलमान ने इस पोस्टर को अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर करते हुए लिखा, नीदर बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन नॉर मी आर एसोसिएटेड विद दिस इवेंट इन एनी वे। वेल, सलमान के इस क्लैरिफिकेशन से कई लोग ठगने से बच गए और आज वो सभी फैंस सलमान को दुआ देते होंगे। तो सलमान के इस बीइंग ह्यूमन मूव के बारे में आपका क्या कहना है, हमें जरूर बताएं। सलमान खान को टैलेंट की बहुत पहचान है और वो हमेशा नए टैलेंट को खोज ही लेते हैं, मगर इस बार ऐसा लग रहा है कि उन्हें ही उनके हुनर का कॉन्फर्मेशन एक टीनेजर से लेना पड़ा। जी हाँ, फिल्म भारत के डायरेक्टर अली अब्बास जफर ने सलमान खान की भांजी अलीजे अग्निहोत्री को अपनी आगामी फिल्म भारत का रफ कट दिखाया। वेल, सभी सोच रहे थे कि अलीजे क्यों। वेल, अली का कहना है कि मेरा इंस्टिंक्ट कहता है कि जो भी फिल्म मैं बनाऊं, उसे सबसे पहले किसी टीनेजर को दिखाया जाए। मुझे लगता है कि अगर ये फिल्म उनके लिए रेलेवेंट है तो सीनियर जेनरेशन के लिए ऑटोमेटिकली रेलेवेंट होगी, इसलिए मैंने अपनी फिल्म सबसे पहले अलीजे को दिखाई। वेल, कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था कि सलमान के पिता ने भी इस फिल्म को देखकर पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया और अब अलीजे के ग्रीन सिग्नल के बाद हमें यकीन है कि 5 जून को रिलीज होने वाली फिल्म भारत हर मायने में सुपर डुपर हिट होगी, है ना?
एक लंबे इंतजार के बाद आखिर सलमान खान ने दबंग 3 की ओर पहला कदम उठा लिया। जी हाँ, कई सालों से फैंस को दबंग की ट्रिक्वेल का इंतजार था, मगर सलमान एक के बाद एक दूसरी फिल्मों में उलझ गए, तो जब फैंस ने आखिर दबंग 3 की उम्मीद ही छोड़ दी तो सलमान खान ने अनाउंस किया कि फिल्म भारत के रैप अप होने के बाद वो सीधे दबंग 3 पर काम शुरू कर देंगे। और जैसा कि उन्होंने कमिटमेंट दे दी, 1 अप्रैल को मध्य प्रदेश में दबंग 3 का पहला स्केड्यूल शूट हुआ, जो अब खत्म हो चुका है। इसके बाद पूरी टीम मुंबई में फिल्म के दूसरे स्केड्यूल को शूट करने लौटी। यहाँ उन्होंने एक अमेजिंग फाइट सीक्वेंस भी शूट किया, जिसके लिए उन्होंने प्रोफेशनल फाइटर्स गब्बर और मोहित को मौका दिया। शूटिंग के दौरान ये दोनों सलमान से काफी इम्प्रेस हुए और सेट पर उन्होंने भाईजान के साथ पिक्स भी क्लिक की। दोनों ही फाइटर्स ने शूट के बाद सलमान का दिल खोल के शुक्रिया किया, क्योंकि उनके ही कारण इन दोनों को अपने हुनर को बड़े पर्दे पर दिखाने का मौका मिला। और खुद चुलबुल पांडे सलमान के साथ फाइटिंग के इस एक्सपीरियंस को ये दोनों काफी यादगार मानते हैं। दबंग 3 में असली फाइटर्स के साथ चुलबुल पांडे के इस सीन को देखने के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं, हमें जरूर बताएं। जब से फिल्म भारत अनाउंस हुई थी, फैंस खुशी से झूम उठे थे, और देखते ही देखते ये फिल्म शूटिंग से पोस्ट प्रोडक्शन फेज में पहुंच चुकी है। और अब रिलीज के करीब एक महीने पहले मेकर्स ने अपनी फिल्म के गाने भी अनवील करने शुरू कर दिए हैं, जिसे देखकर हम सब काफी इंजॉय कर रहे हैं। वहीं फिल्म का रफ कट भी रेडी हो चुका है, तो सलमान खान ने फिल्म मेकर अली अब्बास जफर और कटरीना कैफ के साथ साथ अपने डैड सलीम खान को भी ये फिल्म दिखाई। और गेस व्हाट, सलीम खान जो सलमान के सबसे बड़े क्रिटिक हैं, इस फिल्म को देखकर काफी खुश हुए और उन्हें ये फिल्म बहुत ही प्रॉमिसिंग लगी। एक इंटरव्यू के दौरान अली अब्बास जफर ने इस बात का खुलासा करते हुए कहा, इस फिल्म में सभी का कंट्रीब्यूशन फिनोमिनल है और अब जो मूवी पोस्ट प्रोडक्शन की फाइनल स्टेज में है, कई लोगों ने इसे देखा है। अली ने आगे ये भी कहा कि सलमान, कटरीना, मैंने और सलीम सर ने जब इस फिल्म को देखा तो हम सबका रिएक्शन था कि ये फिल्म जरूर चलेगी, क्योंकि फिल्म के सभी कैरेक्टर्स को इस जर्नी में एफर्टलेसली डाला गया है और जिस तरह से ये पूरी फिल्म बनी, ये देखकर सभी काफी खुश हैं। फिल्म के टेक्निकल एस्पेक्ट पर बात करते हुए अली ने कहा, बिकॉज इट इज वेरी टेक्निकल, द VFX, CC, साउंड ट्रैक, दैट इज वेयर द क्राफ्ट ऑफ द फिल्म लाइज। And I'm very happy that every character's arc has come out really nicely. Well, तो अब फिल्म भारत के पहले रिव्यू के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, हमें जरूर बताएं। दिशा पाटनी और सलमान खान के स्लो मोशन गाने ने भी फैंस का दिल जीत लिया। अब इसके बाद फैंस सलमान और कटरीना की केमिस्ट्री का जलवा भी देखना चाहते हैं, और इसलिए मेकर्स ने अपनी फिल्म के चाशनी गाने के टीजर को अनवील कर दिया था, और इस टीजर को देखते ही फैंस के मन में इन दोनों के लिए प्यार की मिठास भर गई। फिर कुछ दिनों तक टीज करने के बाद मेकर्स ने चाशनी गाने को भी अनवील कर ही दिया, जिसे सोशल मीडिया पर लाइक्स और कॉमेंट्स का सैलाब आ गया। और इन कमेंट्स में से एक सलमान खान की अलेज्ड लेडी लव यूलिया वंतूर का भी था, जिन्होंने सलमान के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए गाने के कैप्शन में लिखा, सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। वेल, यूलिया ने भी जब सल्लू और कैट की केमिस्ट्री और रोमांस की तारीफ की है, तो हम पीछे कैसे हट सकते हैं। तो क्या आपको भी यूलिया की तरह चाशनी गाना मीठा लगा, नीचे दिए कॉमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। सलमान खान की टाइगर फ्रेंचाइज काफी हिट है, और साल 2017 में टाइगर जिंदा है में सलमान और कटरीना को एक साथ देखकर सभी फैंस काफी एक्साइटेड थे, और इस सीक्वल में हुए कमाल के बाद सभी को इस फिल्म के अगले इंस्टॉलमेंट का इंतजार था। ऐसे में हाल ही में हुए सऊदी फिल्म फेस्टिवल के दौरान सलमान ने भी कंफर्म किया कि वो टाइगर 3 पर काम जरूर करेंगे, और इस बार भी कैट ही उनकी जोया होंगी। सलमान के स्टेटमेंट से फैंस की एक्साइटमेंट एक अलग लेवल पर ही पहुंच गई, और अब सोशल मीडिया पर एक पोस्टर वायरल हुआ है जिसमें लिखा है, टाइगर 3 द फाइनल मिशन ईद 2021।
वेल, अब इस पोस्टर को देखकर तो दो बातें साफ हो गई। पहली ये कि टाइगर के रिक्वेल को अली अब्बास जफर ही डायरेक्ट करेंगे और दूसरी ये कि ये फिल्म ईद 2021 में रिलीज होगी। हालांकि इस पोस्टर के अनुसार अब कम से कम 2 साल का इंतजार बाकी है, मगर सलमान और कैट को एक बार फिर टाइगर और जोया के अवतार में देखने के लिए फैंस को तो ये इंतजार मंजूर ही होगा, है ना?